कैमरा एंगल कैसे कैसे दे रखे हैं उन्होंने, उसने सही दे रखा है जो इनका ट्रक वाला है ना, वॉल ट्रक, वो उसने सही दे रखा है इन्होंने, ये इसमें पता नहीं है क्या झंझट दे रखा है। देखना अपने आप ही कुछ भी हो रहा है भाई, मैन्युअली हम करना चाहते हैं, अपने आप हो रहा है ये। हट जाओ भाई आगे से, हट जाओ, बोलना पड़ेगा क्या? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चंदन्स गेमिंग, और आज हम खेल रहे हैं वर्ल्ड बस ड्राइविंग सिमुलेटर। तो सबसे पहले आपको मैं ये बस स्टैंड दिखाता हूँ, ये अपने इंडिया जैसे बिल्कुल नहीं होता, अपने इंडिया के बस स्टैंड तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से पैसेंजर है, और हम बिना समय गवाए बस को करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले कहीं का जॉब लेते हैं। समय देख सकते हो आप, 4:13 निकलने वाली है ये बस, पता नहीं क्या दिखा रहा है ये, मेरिंगा पीआर जाने वाला है पता नहीं। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं जॉब अपना, ठीक है। तो जॉब ढूंढने के लिए हमें जाना होगा, ये कहाँ से मिलेगा एक बार इंटीरियर व्यू से देखते हैं, जॉब का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब जॉब कहाँ गई, ऑलरेडी यहाँ पे जॉब वॉब लगी हो। चलो एक मिनट, ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम ओपन करके देखते हैं टूर को, कि यात्री पैसेंजर वगैरह चढ़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब जॉब लगी हुई है भाई, लगी हुई है, ये देख सकते हो कि यहाँ पे बस में चढ़ रहे हैं। जब तक हम चेक कर लें अपना हॉर्न, वर्किंग इंडिकेटर, वर्किंग एंड पैसेंजर चढ़ चुके हैं, और अब हम चलते हैं सीधा बस के अंदर। ओहो, मतलब जब तक गेट बंद नहीं होगा आपकी बस नहीं चलेगी। ओह नहीं नहीं नहीं, पार्किंग लगा हुआ था। अच्छा, बस के अंदर चलते हैं, क्योंकि बस के अंदर से ड्राइव करने में थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब फील आता है, और कंट्रोल भी अच्छे से हो पाता है, बाहर से फिर वो कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बस इधर ही लगा दिया क्या इन्होंने, हमें जाना है यार, मैप तो अभी तक नहीं दिखा रहे, पैसेंजर चढ़ तो गए, हमें जाना कहाँ है वैसे, रोंडो क्या नाम है यार, रोंडो पॉलिस जाना है, और एक और बीच में रुकना है कैंपो ग्रैंडे में। बाकी रात को ड्राइव करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि अंधेरा सा हो जाता है ना। तो ये आ गए हम सड़क पे, लेकिन यार मैप नहीं आया, ये कैसे हो सकता है, समझो कैसे जाएंगे, हमें किधर को जाना है, कैंपो ग्रैंडे सबसे पहले। तो मैप तो आया नहीं यार, बिना मैप के ही जाना पड़ेगा, बिना मैप के तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिर वो बोर्ड देख के जाना होगा, बोर्ड देख के ही चल लेते हैं, मैप तो आया नहीं, क्या करें, हम बोर्ड देख के ही चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं मेन रोड पे, और अपने को जाना है टेम्पो ग्रैंडे के लिए, रास्ता ढूंढते हैं पहले, ताकि ट्रैफिक कम है अभी बहुत, तो बच गया। तो चलो चलो चलो, अगर इसमें ना रेडियो का सिस्टम भी होना चाहिए था, बट क्या ना रेडियो वाला फिर वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ा मतलब, अगर मान लो कि कुछ ऐसे गेम है जिसमें होता है, अगर हम अपने पसंद का म्यूजिक सुनेंगे
दी, अब ये लोड होगा, अब लोड होने के बाद जो बस की स्पीड होगी वो 0 हो जाएगी, जैसे बाकी गेम में होता है, ट्रक सिमुलेटर, यूएसए इवोल्यूशन, उसमें भी लोड होता है, बट उसमें क्या है ना कि जितनी आपकी स्पीड थी उतनी ही बनी रहेगी, उसमें ये है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है डेवलपर को, मतलब जो इनके डेवलपर है उनको अपडेट करना चाहिए इन चीज़ों को। और कुछ और भी कहने वाला था मैं, अभी मैं भूल गया, मतलब कुछ कह रहे कह रहा था और वो भी भूल गया तो सीधा। अरे हाँ, वहाँ पे मैप तो आ गया, अब मज़ा आएगा देखो, मैप आ गई, अब मज़ा आएगा, अब कोई झंझट नहीं है, नहीं तो फिर वो देख के जाना पड़ता रोड वोड, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है ना। बाकी अगर गेम प्ले इंजॉय कर रहे हो तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और बस की स्पीड कितनी होगी, 93, वो शिफ्ट कैसे कर पा रहे हैं, खतरनाक रोड ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ही रोते हैं भाई खतरनाक खतरनाक रोड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इंडिया से बाहर भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे खतरनाक रोड है बहुत सारे, है ना। ये वन वे रोड जब आ जाता है ना, इसमें मेरे को बड़ा बेकार लगता है वन वे रोड पर ड्राइव करना, देख रहे हो, तो वन वे रोड है इतना खतरनाक भाई साहब, इससे भी खतरनाक खतरनाक रोड है यार इस गेम में। क्योंकि मैं इसका वो वाला भी खेलता हूँ ना, ट्रक सिमुलेटर, वो क्या नाम है, वर्ल्ड ट्रक ड्राइविंग सिमुलेटर, तो उसमें मैंने देखे हैं कि जो ऑफ रोड है वो तो और भी ख़तरनाक है। अभी तो ये गेम मैंने खेलना शुरू किया है केवल, इसलिए नहीं तो भी आप उस चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर देखना कैसे खतरनाक खतरनाक रोड आएंगे, साथ में खेलेंगे मज़े में। साथ में तो इसमें नहीं खेल सकते क्योंकि इसमें मल्टीप्लेयर का ऑप्शन नहीं है, हाँ बट आप देख सकते हो जो मेरे गेम प्ले को इन्जॉय कर सकते हो, है ना। और हमें रात को 23:17 को भाई रोंडो पॉलिस पहुंचना है, 19:19 तो 1 पे हो चुका है, रोड भी सही नहीं है यार, जल्दी से अभी तो ट्रैफिक, वैसे मैंने 1:17 मुझे लगा कि अभी बस टकरा जाएगी, पहले तो मेरी धुलाई बढ़िया से करता है ना, क्योंकि अपने इंडिया में होते हैं
जो ट्रक व्रक वाले होते हैं, अगर भाई गलती चाहे उसकी हो या ना हो, गलती से भी कार वाले की गलती पहले क्यों ना हो, अगर उसने कैसे कैसे दे रखे हैं उन्होंने, उसने सही दे रखा है जो इनका ट्रक वाला है ना, वोल्ट ट्रक, वो उसने सही दे रखा है इन्होंने, ये इसमें पता नहीं है क्या झंझट दे रखा है। देखना अपने आप ही कुछ भी हो रहा है भाई, मैन्युअली हम करना चाहते हैं, अपने आप हो रहा है ये। हट जाओ भाई, आगे से हट जाओ, बोलना पड़ेगा क्या, हम आए इतने दूर से। हाँ ओके, अब यहाँ और बैठोगे क्या, मुझे लगा उतरेंगे यहाँ पे।
ये तो भाई अच्छा उतर भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं, ये देख रहे हो। अबे एक ही गेट से जब आगे वाला गेट खुला हुआ है तो जरूरी है पीछे वाले गेट में सारे चढ़ेंगे? बड़े हैरानी लोग हैं यार, मुझे लगा अपने इंडिया में ही ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ भी होता है भाई, क्या नाम है इसका, कैंपो ग्रैंड। हम आ गए, अब अपन चलेंगे हाँ लास्ट ट्रिप जो अपना है रोंडो पॉलिस। आई होप कि मैं सही बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि प्रोनंसिएशन अपना थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। तो सबसे पहले बस के अंदर घुस जाते हैं, नहीं तो रात को ऐसे बाहर एंगल से देखने में ठीक ठाक जाएगी बस। वैसे अंदर से भी मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं कम ठोका हूँ कितनी बार तो ठोक दिया मैंने, है ना। अरे रुको ऐसे ब्रेक है यार, यहाँ पे ब्रेक लगाओ, ऐसे लगता है साइकिल का ब्रेक लगाया उधर जाके। हाँ इसका पावर ब्रेक सही है, पार्किंग वाला जो है ये देखो, ये अच्छा तक। ये गेम लोड हो रहा है तो जब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, नीचे मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
चले जा रहा है बता। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम फिर से किसी दूसरे ड्राइव को करेंगे, मतलब दूसरे ट्रिप पे चलेंगे। जब तक थोड़ा खाना पीना खाया हूँ मैं। आगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा गेम प्ले। हम मिलेंगे फिर से किसी दूसरे ट्रिप में।